आगे से उठ के। हेलो नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर। किसान भाइयों, ये हमारे घर का ही ट्रैक्टर है, महिंद्रा 475 DI 1997 मॉडल, गजब की परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर की। 475 3900 ट्रैक्टर आता था पहले, और आप देखिए परफॉर्मेंस, 6 चीजल तोते हैं और गेहूं का खेत है ये। आगे से उठ गया है, बंद हो गया। किसान भाइयों, अच्छा कंट्रोल है हाइड्रोलिक का, महिंद्रा की हाइड्रोलिक सेंसिंग के मामले में अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन इस ट्रैक्टर की बहुत बड़ी हाइड्रोलिक है। 39 horsepower का ये ट्रैक्टर है और 12 के टायर हैं पीछे, 12/4/28 की और आगे के 6/16 की है। गजब का साउंड है इस ट्रैक्टर का और डीजल एवरेज बहुत ही बढ़िया है इस ट्रैक्टर की। डीजल एवरेज की अगर हम बात करें तो 2.5 से 3 लीटर तेल लेता है घंटे का। अब हम जुताई कर रहे हैं, 6 चीज़ें तोते हैं और अच्छी ज़मीन है, डाकर ज़मीन है। इस ट्रैक्टर में बम्पर में आगे की तरफ बेट लगे हुए हैं। महिंद्रा में आगे से उठने की दिक्कत होती है क्योंकि आगे बॉडी वेट बहुत कम होता है ट्रैक्टर का, बॉडी वेट ज़्यादा पीछे की तरफ रहता है, इसलिए आगे वेट बहुत कम होता है। आप देख सकते हैं कितनी गहरी जुताई कर रहा है ट्रैक्टर। पीछे के टायरों में हमने 8 या 10 पॉइंट हवा रखी है। वीरेंद्र भाई चला रहा है, वीरू देखिए थोड़ा थोड़ा से आगे उठ रहा है आगे से। किसान भाइयों, यह ट्रैक्टर अभी 3rd के लो में चल रहा है। जितने भी ट्रैक्टर हैं वो लगभग 3rd के लो में ज़्यादा पावर लगाते हैं, परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रहती है। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी और किन किन किसान भाइयों के पास महिंद्रा ट्रैक्टर है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। महिंद्रा का साउंड है जो काफ़ी बढ़िया है और पुराने ट्रैक्टरों में तो और भी बेहतर साउंड था। अब के जो ट्रैक्टर है वो थोड़ा साइलेंट कर दिए गए हैं, लेकिन जो पुराने ट्रैक्टर थे उनके साइलेंसर की जो जाली है वो धीरे धीरे जलने के बाद उसकी आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है, थोड़ी लाउड हो गई है, तो वो आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है।
किसान भाइयों, ऐसी खेती किसानी और ट्रैक्टर से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।